सो ऑल गाइज वेलकम बैक टू अन वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या हो सकता है अगर आपके पेपर 28 जुलाई फर्स्ट सेट में। ओके मैं सारा कुछ डिस्कस करूंगा, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में किस टाइप के डिफिकल्टी लेवल थे, ओवरऑल क्या था, और सारे 90 से लेकर 99 परसेंटाइल तक हम लोग मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की भी बात करेंगे। ओके और अगर पिछले वाले शिफ्ट का अगर नहीं देखे हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल तो उसका मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ओके तो वो आप जाकर देख सकते हो। लाइक अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स यार फॉर्मूला बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे कुछ कुछ, बट ओवरऑल अगर डिफिकल्टी की बात करें तो ईजी टू मॉडरेट फिजिक्स था, मतलब फिजिक्स बनने लायक था, आप बना सकते थे। अगर बात करें केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री यार ओवरऑल अगर बात करें कि किस टाइप का डिफिकल्टी लेवल था तो मॉडरेट से थोड़ा सा कम, ठीक है, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि आपके केमिस्ट्री जो थे वो ओवरऑल एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेरे को जितना मैंने बच्चों से बात किया केमिस्ट्री जो था वो मॉडरेट से थोड़ा कम था, ठीक है, आप मॉडरेट भी बोल सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि किसका कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। अगर आपका केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा होगा तो वो आपको इजी टू मॉडरेट भी लग सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ्स, मैथ्स जो था वो लेंदी था, हर बार की तरह लेंदी और इसको बोल सकते हैं डिफिकल्ट भी था। ओके और ओवरऑल बात करें कि ओवरऑल पेपर जो था 28 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का, इसका ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या था, तो ये आप मान के चलो कि जो 26 जुलाई का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट था ना उसी के तरीके पेपर था, ठीक है, मतलब कि आप कह सकते हो मॉडरेट से थोड़ा कम, ठीक है, एकदम मॉडरेट नहीं और मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी नहीं था, मॉडरेट से थोड़ा कम आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो। ओके तो बात करते हैं कि 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे, तो अगर आप 195 और 200 के बीच में स्कोर कर रहे होगे तो डेफिनेटली आपके आराम से 99 परसेंटाइल बन जाएंगे। 98 परसेंटाइल अराउंड 185 के आसपास हैं तो बन जाएंगे 98 परसेंटाइल। 97 170 प्लस, 96 160 प्लस, 95 145 के आसपास है, 140-145 तो डेफिनेटली आपके बन जाएंगे उतने परसेंटाइल। ओके अब बात करते हैं 94 तो अराउंड 135-130 के आसपास अगर मार्क्स स्कोर कर लेते हो इस शिफ्ट में तो आपके 94 परसेंटाइल बन जाएंगे। ओके और 90 परसेंटाइल के लिए लगभग आपके 95-100 मार्क्स होंगे तो आराम से आप इतने परसेंटाइल स्कोर कर लोगे। ओके और यार बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि भैया आप इस बार मतलब कि 28 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में सेंटर पर बच्चों से रिव्यू लेने क्यों नहीं गए, क्योंकि यार मुझे कल रात को फीवर हो गया था इसलिए मैं नहीं जा पाया, बट डेफिनेटली कल जरूर जाऊंगा। ओके सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।